Hi guys, welcome back to my channel Shreya Vlogs और मैं हूँ श्रेया। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इयररिंग्स कलेक्शन, मीन्स मेरे लेटेस्ट इयररिंग कलेक्शन मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शादी से पहले मुझे इतना शौक नहीं था इयररिंग्स का या फिर किसी भी और चीज़ का मैं बोलूँ तो, क्योंकि मैं शादी से पहले आई यूज़ टू वेयर बट नॉट रेगुलरली। मैं सूट पहनना या साड़ी पहनना ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं पहनती भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कभी अपने लिए इयररिंग्स खास करके जाके मार्केट में नहीं, ये मैचिंग है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना, दे यूज़ टू मैच देयर ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, वो सब मैंने कभी नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें मैं अब शादी के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अब अगर मैं सूट पहनती हूँ या कुछ पर्व रहा, त्यौहार रहा, या फिर मैं अगर अपने ससुराल जा रही हूँ तो वहाँ के लिए, अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ हैदराबाद में हूँ तो आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल इन माई शॉर्ट्स इन माई फ्रॉक्स, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर भी। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को भी आइडिया होगा, मैं किसी भी वीडियो में आप मुझे इयररिंग्स में बहुत रेयरली देखोगे। इन एनिवर्सरी व्लॉग एक वो था और एक मीन्स आपको एक या दो ही वीडियो ऐसा मिलेगा जहाँ पे मैंने इयररिंग्स पहन रखा है, अदरवाइज़ मैं इन सारे चीज़ों में की शौकीन नहीं हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है। ऑल दो फिर भी अब थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग कर लेती हूँ तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ कि क्या है, कैसा है मेरा इयररिंग कलेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, प्लीज़ डोंट जज इट, क्योंकि मैं सच में मीन्स वैसा कुछ फैंसी नहीं रखती हूँ, क्योंकि पहनती ही नहीं हूँ तो उतना कोई बनता नहीं, और मैं ऐसा पर्टिकुलरली अपने लिए चूज़ करती हूँ इयररिंग्स जिस पर मैं कंफर्टेबल रह सकूँ, कंफर्टेबल इन द सेंस, क्योंकि मैं अगर बहुत हेवी इयररिंग्स पहन लेती हूँ तो बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि सर में हेडेक्स आ जाता है, तो जिसके वजह से फिर मैं आगे अपना काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गाइज कि अगर मैं टॉप्स पहनती हूँ या कुछ पहनती तो वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, पता नहीं वॉट रीज़न, तो मुझे लास्ट के 5 मिनट या 10 मिनट के बाद मुझे वो उतारना ही पड़ जाता है, इसलिए मैं कभी वैसी चीज़ों की शॉपिंग करती ही नहीं हूँ। और जब भी मैं खुद के लिए इयररिंग्स खरीदती हूँ तो सिंपली रिंग फॉर्म में, वो रिंग शेप का हो तो ही मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। सो द फर्स्ट इयररिंग्स आई मीन्स पूरा आपको मैं बाय रिकॉर्ड बता सकती हूँ कि क्या क्या मैंने शादी के बाद लिया है, बहुत सारी चीज़ें टूट भी गई तो मैंने फेंक दिया उसे, और जो है प्रेजेंटली मेरे पास और मुझे अभी भी याद है मैंने कब कब लिया है, क्योंकि ये बहुत रिसेंट है, रिसेंट इन द सेंस क्योंकि शादी के कुछ समय तक तो हम लोग गोल्ड के ही पहन के रखते हैं, एंड आफ्टर दैट जब एक बार खोल दिया तो फिर वो वापस सोना का चढ़ा नहीं है कान पे, इसीलिए उसको मैं बहुत कम पहनती हूँ। और मैं आपको मीन्स बाय डेट मैं नहीं बोलूँगी, बाय ईयर आई से टू यू कि मैंने ये इयररिंग्स कब लिया है कब नहीं लिया, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू। सो या दिस वेयर मैं फर्स्ट इयररिंग्स, ये मेरा पहला इयररिंग्स था जो मैंने आई गेस इन 2017 में लिया था, एंड येट यू कैन सी ये बिल्कुल नई की तरह ही है, क्योंकि मुझे जब जहाँ तक याद है मैं जब अपने ससुराल जाती थी या हूँ जब भी, तो एक आध बार में मैंने वहीं पे पहना है तो पहना, अदरवाइज मैंने इसे नहीं पहना है। तो द फर्स्ट वन, द सेकेंड इयररिंग्स, मैं इसलिए दोनों को टाई करके रखती हूँ ना साथ में ताकि इसे ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि क्या होता है अगर प्रॉब्लम होता है मिलता नहीं आसानी से तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं पहनती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ, मीन्स कहीं भी मार्केट भी जाना है तो भी, इसलिए मुझे टाइम बर्बाद ना करना पड़े मैं दोनों को एक साथ ही रखती हूँ। तो हियर इज अनदर पेयर, इट्स क्वाइट ग्लिटरी, आप देख सकते हो, एंड आई रिमेम्बर ये इयररिंग्स मेरी मासी ने मुझे दिया था, एंड येट अभी भी मैं इसे यूज़ करती हूँ क्या कर रही हूँ, तो यस ये मुझे अच्छा भी लगता है। एंड सेकेंड थिंग इज क्योंकि ये रिंग में है, एंड सेकेंड थिंग इज रिंग में भी दो तरह के आते हैं, एक रिंग होता है जो ऑटोमेटिक आपको दाबना पड़ता है और दूसरा चीज़ होता है ये हुक में डालने वाला, तो इफ़ मेरे इयररिंग्स में ये हुक वाले हैं तो मैं
पहन सकती हूँ, अदरवाइज वो जो होता है ना ऑटोमेटिक आपको डालने वाला, वो मेरे बस का बात नहीं होता, तो मैं वो लेती भी नहीं हूँ। तो ये मुझे मेरी मौसी ने 2018 में दिया था। द थर्ड इयर रिंग इज दिस वन। ये कॉमन सा ब्लैक इयर रिंग्स है जो हम लोग 10 रुपये या 20 रुपये में खरीदते हैं, दैट वन। तो ये मैं कभी कभार अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान के छेद बंद हो रहे हैं तो मैं इसे बीच में एक बार डाल लेती हूँ, एंड अगेन आफ्टर हाफ एन आवर इसे मैं उतार देती हूँ। तो मैंने इसलिए इसे रखा हुआ है। एंड द फोर्थ वन, ये एक्चुअली मैं जब अपने होम टाउन गई हुई थी तो उस समय मेरे घर में कुछ फंक्शंस थे और जिसके वजह से मुझे 2-4 इयर रिंग्स लेने पड़े थे उस वक्त, तो वो उस वक्त के हैं, आई गेस इन 2019 में मैंने ये इयर रिंग्स लिए थे। और ये इयर रिंग्स इसलिए क्योंकि सिंपली आप डाल सकते हो, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैंने ये एक रखा हुआ है। और इसे मैं ऑफनली पहनती भी हूँ क्योंकि इस कलर का मेरे पास एक कुर्ता बोलूँ फ्रॉक बोलूँ जो भी है उसके साथ ये बहुत ही परफेक्टली मैच हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है। आई होप आप देख पा रहे हो। एंड द फिफ्थ वन इज सेम, ये टॉप्स टाइप है इसलिए मैं इसे आज तक कभी ज़्यादा नहीं पहन पाई हूँ। आई गेस ये मैंने 2 या 3 बार ही पहना है अभी तक, और इसे भी मैंने 2019 में ही लिया था। सो एज यू कैन सी अ स्मॉल पिकॉक शेप इज देयर, पिकॉक का छोटा सा डिज़ाइन है। ये इयररिंग्स को अपने एनिवर्सरी ब्लॉग में पहन रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपने नोटिस किया होगा। माई सिक्स्थ इयररिंग दिस वन, ये इयररिंग्स मैंने 2020 में लिया है, आई गेस हाँ 2020 में लिया है, इन जनवरी, आई गेस जनवरी में मैंने लिया है। एंड दिस वन इज ऑल्सो, क्योंकि ये हुक शेप्ड है इसीलिए मैंने रखा हुआ है। द नेक्स्ट इयर रिंग इज दिस वन, ये आप देख करके इमेजिन कर सकते हो कि मैं इसे तो पहनती नहीं हूँ। ये मैंने लिया था इन 2019 और इसे मैंने अभी तक सिर्फ 5 मिनट पहना है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, वो भी कोई फंक्शन था इसीलिए, अदरवाइज वो भी मैं नहीं पहनती। मैं एक बार आपको पहन के दिखाती हूँ। As you can see, देखने में बड़ा प्यारा है बट इतना भारी नहीं पहन सकती, मीन्स इट्स क्वाइट हेवी, जिसके वजह से मेरे ईयर्स में बहुत पेन होने लगता है थोड़ी देर में ही, तो इसीलिए मैं इसे जनरली नहीं पहनती। नहीं पहनती मीन्स इसे सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए ही पहना है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। एंड ये सारे इयररिंग्स जो मैंने अभी तक आप लोग को दिखाया है, ये सारा इयररिंग्स अभी तक मेरे होम टाउन का है, और अब जो मैंने इयररिंग्स अभी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, वो मैं यहाँ पर्टिकुलरली हैदराबाद से लिया। तो द फर्स्ट वन, ये सारा रिसेंट है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट इयररिंग इज दिस वन, और इसमें भी आप देख सकते हैं ये हुक है। मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसी इयररिंग्स ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाती तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं शॉप से निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने लिया है और मैं नहीं पहन पाऊँगी तो वो वेस्ट होगा। इसलिए उससे बेटर होता है कि मैं ज़्यादा देर दुकान में रुकती ही नहीं हूँ, या मॉल भी जाती हूँ तो मैं ज़्यादा देर स्टॉल के पास में खड़ी नहीं रहती हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा लगेगा तो आप उठा ही लोगे एंड देन वो वेस्ट हो जाएगा पड़ा पड़ा, तो इसलिए मैं नहीं लेती। द सेकेंड इयर रिंग्स इज, इसके बाद जो मैंने इयर रिंग्स लिया है वो है ये,
I hope you can see it. ये बहुत ही प्यारा है और किसी भी सूट के साथ या फिर आप अगर कुर्ती भी पहन रहे हो तो उसके साथ भी बहुत ही परफेक्टली मैच करता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा और मैंने ले लिया. द नेक्स्ट इयरिंग इज दिस वन. हुक इज देयर एंड दिस वन इज इन मल्टी कलर. डिफरेंट स्टोन्स आर देयर, तो इस वजह से आप किसी भी ड्रेस के साथ कोई कलर अगर आपको मैच करना और इस तरह का कोई कलर है तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा आपके ड्रेस के साथ. तो इट इज़ परफेक्ट, क्योंकि इसे मैं जीन्स के साथ अपने या फिर मैं अपने कोई भी कुर्ती अगर मैं पहन रही हूँ तो बहुत ही अच्छा चलेगा मेरे ड्रेस के साथ, तो मैंने ये ले लिया. नेक्स्ट इयरिंग इज दिस वन. आई होप यू कैन सी इट. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटे छोटे स्टोन है और सबसे अच्छा चीज़ है कि ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है. मीन्स कान में डालने के बाद ये बिल्कुल चिपक जाएगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना. और ये बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ कान में पहन रखा है. तो मुझे ये बड़ा सुंदर लगा एंड आई गेस मुझे इसका कॉस्ट पता है क्योंकि मैंने अभी रिसेंट लिया एंड इट्स फॉर आई थिंक 250. क्योंकि इसके इसका जो स्टोन है बहुत शाइनी है. आई डोंट नो फोन पे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, बट यस ये बहुत ही शाइनी और सामने से ये बहुत सुंदर है, बहुत ही एलिगेंट है, तो बहुत अच्छा लगता है. द नेक्स्ट इयरिंग इज समथिंग लाइक दिस. एंड ये भी छोटा सा रिंग टाइप ही है जिससे आपको बस डालना रहता है. तो ये भी बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही छोटा है, तो बिल्कुल भी हेवी नहीं लगने वाला है कान पे, इसलिए मैंने ये ले लिया. एंड इट्स ऑल्सो फॉर आई गेस फॉर 200. इयरिंग्स मैंने खास करके किसी ओकेजन के लिए लिया था, उस समय कुछ ओकेजन था इस वजह से मैंने लिया था कि मैं इसे पहनूंगी, बहुत शौक से लिया था. बट टिल नाउ एक साल होने को है, मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना है. एंड आई होप, मुझे पता नहीं कि मैं इसे आगे पहन पाऊंगी भी कि नहीं पहन पाऊंगी. जैसे आया था बिल्कुल वैसे ही अपने बॉक्स में पड़ा हुआ है और ये कुछ ऐसा दिखता है. बहुत ही सुंदर है बट हेवी है, मेरे टाइप का नहीं है तो मैं इसे नहीं पहन सकती. नेक्स्ट इयरिंग इज, और ये इयरिंग्स को मैंने मीशो से मंगाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख करके एंड इट्स ब्यूटीफुल, बट मुझे नहीं पता मैं पहन पाऊंगी या नहीं पहन पाऊंगी. कोशिश करूंगी मैं किसी वीडियो में इसे पहनूं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा. And it will look like this. है ना बहुत सुंदर. मैंने लिया था तीज के आसपास, मैंने ऑर्डर किया था ये सोच कर कि तीज तक आ जाएगा तो मैं उस समय वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मुझे काम आएगा, बट उस समय तक नहीं आया, लेट था. तो कोई नहीं, नेक्स्ट तीज में पहन लेंगे. तो ये थे कुछ मेरे इयरिंग्स के कलेक्शन. आई होप आपको अच्छे लगे हो. एंड आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं जो भी इयरिंग्स मैंने दिखाया वो सब कुछ मेरे टाइप के थे. मेरे टाइप के मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि सब कुछ कहीं भी आपको एक दो टॉप्स दिखे होंगे, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पे रिंग फॉर्म में था. तो आपको कैसा इयरिंग्स अच्छा लगता है, मेरी इयरिंग्स में से कौन सी इयरिंग्स आपको अच्छे लगे. एंड डोंट जज मी कि मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ बोल करके, क्योंकि इट्स पर्सनली माई चॉइस, इट्स माई वे ऑफ थिंकिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. तो अगर आपकी ओपिनियन अलग है मेरे से देन इट्स क्वाइट ओके, क्योंकि सबकी ओपिनियन एक जैसी नहीं होती है और सबके टेस्ट भी एक जैसे नहीं होते, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन.
एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसे एक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर भी लेती हूँ साथ ही साथ। Thank you.